satellite pictures, etc., which came out and which we could see the actual position, what was going on in the ground. पूरे नेशन को चाइना को बोलना पड़ेगा, या तो ट्रीटी करो, एग्रीमेंट करो, या बायकॉट. The country must be kept in the picture about what is actually going on. 2020 तक, we have not lost one man to Chinese in engagement. चाइना और पाकिस्तान एक हो गए हैं, और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है. इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वल्नरेबल. आई डोंट जस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर यू, आई ऑल्सो हैव लव एंड अफेक्शन फॉर यू. यू डिफेंड दिस नेशन, दिस नेशन वुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट यू. इश्यू इज अबाउट चाइना. देयर वाज अ लॉट ऑफ सैटेलाइट पिक्चर्स एटसेट्रा व्हिच केम आउट एंड व्हिच वी कुड सी द एक्चुअल पोजीशन, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द ग्राउंड. द कंट्री मस्ट बी केप्ट इन द पिक्चर अबाउट व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन. On December the 9th in Arunachal Pradesh's Tawang sector, Chinese soldiers entered into Indian territory with a clear bid to alter the status quo. 1967 se sir, 2020 tak, we have not lost one man to Chinese in engagement. Kyunki wo darta tha sir. 20 Indian soldiers were killed in action as a result of the physical skirmish with Chinese troops. जितनी चाइना की सर एग्रीमेंट्स है सबको उनको एक्सप्लॉइट करता है. जो हमारी लैंड एग्रीमेंट्स थी ब्रिटिशर्स के टाइम की, उसने 1950s में नल एंड वॉइड कर दिया. चाइना का सर ओवरऑल बायकॉट नहीं हो रहा, पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे. अकेला सोल्जर अकेला खड़ा हुआ, जवान तो लड़ता है खेत के लिए दूसरे के जवान से. पूरे नेशन को चाइना को बोलना पड़ेगा, या तो ट्रीटी करो, एग्रीमेंट करो, या बायकॉट. जो हमारा हिंदुस्तान का देश है उसकी बॉर्डर की सिचुएशन इंटरनेशनल सिचुएशन से लिंक्ड है, बॉर्डर की सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो गई. सच्चाई यह है कि चाइना ने हिंदुस्तान के 2000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में जमीन छीन ली है. वो हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर बैठे हुए हैं. प्रधानमंत्री ने देश को झूठ बोला कि कोई अंदर नहीं आ. मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है. चाइना हमारी टेरिटरी, हमारी जमीन के अंदर आज भी बैठा हुआ है. पहले हमारे दो दुश्मन थे, एक पाकिस्तान और एक चाइना, और हमारी जो पॉलिसी थी उन दोनों को अलग करके रखने की पॉलिसी थी. फॉरेन पॉलिसी के पीछे यही आइडिया था, जब राजीव गांधी जी वहां गए उसका भी यही आइडिया था कि ये दोनों एक साथ ना हो जाए. पहले लोग कहते थे टू फ्रंट वॉर नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद लोगों ने कहा टू एंड हाफ फ्रंट वॉर चल रही है. टू एंड हाफ फ्रंट मतलब चाइना पाकिस्तान टेररिज्म. आज एक ही फ्रंट है, मतलब चाइना और पाकिस्तान एक हो गए, और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा. ये दोनों अब एक साथ सिर्फ मिलिटरली नहीं कर रहे, इकोनॉमिकली भी काम कर रहे हैं. बेल्ट एंड रोड है, ग्वादर है, वो चाइना के लिए बहुत जरूरी हो गया है. जो चाइनीज इकोनॉमिक सिस्टम है वो टेक्नोलॉजिकली फाइनेंशियली बहुत तेजी से बढ़ रहा है. हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है 2014 के बाद स्लो डाउन कर गया है. हमारे देश के अंदर डिस्टर्बेंस है, लड़ाई झगड़ा है, कंफ्यूजन है, नफरत है. हमारी माइंडसेट अभी भी टू एंड हाफ फ्रंट वॉर की माइंडसेट है. हमारी माइंडसेट जॉइंट ऑपरेबिलिटी की नहीं है, हमारी माइंडसेट साइबर वॉरफेयर की नहीं है. इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वल्नरेबल. चाइना एंड पाकिस्तान आर बोथ प्रिपेयरिंग ए सरप्राइज फॉर अस. दैट इज व्हाई आई कीप रिपीटिंग दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट कीप क्वाइट. जो बॉर्डर पे हुआ है सरकार को पूरे देश को बताना चाहिए, और जो भी एक्शन हमें लेना है हमें आज शुरू करना है. एक्चुअली हमें एक्शन 5 साल पहले शुरू करना था, वो हमने किया नहीं. अगर हमने ये जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है. एंड आई एम एक्सट्रीमली कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द बॉर्डर इन अरुणाचल, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द बॉर्डर इन लद्दाख. एंड आई थिंक गलवान एंड ढोकलाम आर लिंक्ड एंड दे आर पार्ट ऑफ अ चाइनीज स्ट्रेटजी टू सूनर और लेटर हिट अस जॉइंटली विद पाकिस्तान. आई डोंट जस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर यू, आई ऑल्सो हैव लव एंड अफेक्शन फॉर यू. You defend this nation would not exist without you.